कॉम मैं हूं आपके साथ दीक्षा खांद्रे। आर्थिक संकट से जूझ रही प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज की सभी उड़ानें बुधवार रात 12 बजे से बंद हो गई हैं। जेट एयरवेज पर आए संकट का असर हवाई किराए पर बढ़ता दिख रहा है। घरेलू उड़ानों के साथ साथ विदेशी फ्लाइट्स का किराया भी आसमान छू रहा है। जिन जगहों पर किराया पहले हजारों में था अब लाखों में पहुँच गया है। सीधे तौर पर देखें तो किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। अगर किसी को अगले हफ्ते यानी 24 अप्रैल को मुंबई से लंदन जाना है तो उसे 1,08,000 रुपये चुकाने होंगे। ये फ़्लाइट 19 घंटे की है जो चीन होते हुए जाएगी। वहीं दिल्ली से लंदन का किराया 93,000 रुपये है। इसमें सफ़र 16 घंटे का है और फ़्लाइट मिलान होते हुए जाएगी। इसी हफ्ते के किराए पर गौर करें तो वो भी कुछ का नहीं है। यदि किसी को 20 या 21 अप्रैल को मुंबई से लंदन जाना है तो उसे 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा देने होंगे, जो अमूमन 40 से 60 हज़ार में मिला करती थी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गर्मी के सीज़न में मुंबई से लंदन का किराया ज़्यादा से ज़्यादा 37,000 से 50,000 के बीच रहता है, लेकिन जेट की फ़्लाइट्स न होने की वजह से किराया लाखों में पहुँचा है। जो लोग अब बाहर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो तो किसी भी नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी है उनका नुकसान होना तय है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घूमने जाने के लिए जेट एयरवेज की टिकट बुक करा ली थी और होटल की एडवांस बुकिंग भी कर ली थी। अब जेट एयरवेज की उड़ानें रद्द होने के कारण उनका पैसा डूब जाएगा। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ घरेलू फ्लाइट्स पर नज़र रखने का अधिकार है। फिर भी वो जेट के अधिकारियों से संपर्क साधे हुए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।